एक चालक कार की चाल को 5 सेकेंड में 25 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड कर देता है। कितने समय में? 5 सेकेंड में। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब इसका प्रारंभिक वेग जो है वो किस वेग से शुरू करता है? 25 मीटर प्रति सेकेंड से। और किस वेग पे खत्म करता है? इसका अंतिम वेग है तो इसको v से डिनोट करते हैं आप। तो ये 10 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड लिखिए हिंदी में, और या अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो m ऑब्लिक s। और समय अंतराल कितना लेता है भाई? 5 सेकेंड। अब त्वरण जो इसका होगा वो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, और जो समय अंतराल है उससे विभाजित करेंगे। तो अंतिम वेग कितना है? 10। और प्रारंभिक वेग कितना है? 25। तो 10 माइनस 25 बटे 5, तो यह आ जाएगा -15/5, जिसका वैल्यू आएगा -3 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग हो जाएगा। क्योंकि ये पहले से वेग है तो इसका जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, और फिर इसमें समय से भाग दे रहे हैं तो एक सेकेंड और आएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको मीटर प्रति सेकेंड के ऊपर स्क्वायर लगाए हो या सिंपल लिखना चाहते हो तो एम ऑब्लिक यस स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दोनों पढ़ा जाएगा। तो ये आ गया आपका त्वरण। अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव त्वरण को क्या बोला जाएगा? मंदन बोला जाएगा। इसका मतलब जो गतिशील वस्तु है उसकी समय के साथ चाल जो है वो कम हो रही है, और कुछ परिस्थितियों में गतिशील वस्तु की चाल समय के साथ बढ़ेगी। जैसे इसी का ठीक उल्टा कर दो, अगर ये 10 से 25 होगा तो ये यहां पे धनात्मक आ जाएगा, तो ये त्वरण होगा। और अगर बाई चांस किसी परिस्थिति में ऋणात्मक आता है तो इसके लिए शब्द जो है त्वरण ही बोलेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे या मंदन, रिटार्डेशन इसके लिए उपयुक्त शब्द है, या मंदन या रिटार्डेशन। अगर ये कैसे आप समझेंगे? अगर माइनस आ गया तो चाल जो है वो घट रही है, तो इसको बोला जाएगा मंदन। दैट्स ऑल।